हाँ तो भाई, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे अमीर छोड़ू कुत्ती के बारे में। तो कुछ लोग वाकई ही अमीर होते हैं, जो ये नहीं कुछ और होते हैं। इन जैसे जो अमीर दिखने के चक्कर में लंबी लंबी फेंकते हैं, बातें इतनी लंबी लंबी करते हैं जैसे इन्होंने बिल गेट्स को कुत्ती दी। तो ये वो बंदे हैं इनके पैदा होते ही नर्स ने बोला कि अंकल आपकी बीवी ने हक दिया। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय डीजेलो गिव अवे। जी फ्रेंड्स, डीजेलो के गिव अवे के बारे में ये वीडियो होने वाली है। आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक को ओपन करते हुए रियल गेमिंग होम के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको मैं मेन मेन स्टेप बता देता हूँ ताकि ये क्लिप जो है ना लंबा ना हो और आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर डीजेलो के गिव अवे की पोस्ट नजर आ जाएगी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और स्क्रू डाउन करोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सब चीज़ें जो है ना समझ में आ जाएगी। आपने एक मरतब से अच्छे से जो है ना इस वीडियो को देख लेना है और पढ़ लेना है सब चीज़ों को, और चैनल को सब्सक्राइब करो जब भी एक लिंक जनरेट होगा और उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर वन पे आने वाला चूतिया तो यार आज हम मापेंगे इस चूतिये की सारी बगैरतियों। तो जब ये नए नए आए तो इनकी तब की बातें सुने जरा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जी, पाकिस्तानियों बहुत खुश हो गया, आपने हमें छोड़ दिया, आपने पाकिस्तान को छोड़ दिया। छिपकली वर्गा जरा मुंह छिपकली नहीं, वो प्लेन छिपकली नहीं, ठोके सर दी बंदा ही मारे तो वो बंदा है। अपने हम सब के पाकिस्तान को सपोर्ट किया। बात ये थी कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि टिकटॉक खोलते ही पाकिस्तान के मिलियन में ऊपर ही चले। मस्ती कर रहे हैं और दलील आप उठा तो बाद आ जाए तो बड़े ही राम बहुत अलग लाख लाख शुक्र के पाकिस्तानी रफ में टिकटॉक खोलते ही ऊपर चलते हैं। तो भाई अभी आपने देखा टिकटॉक खोलती ऊपर सबसे पहले क्या आया? बोलोगे वो करूंगी बाबा, अभी आपने देखी है इस इंसान की कुछ बगैरतियाँ। ये वो इंसान है जो हमारी पाकिस्तान आर्मी का नाम बदनाम करते हैं। ऐसे चूतियों को यूनिफॉर्म दे कौन देता है? यूनिफॉर्म पहनने के बाद ये अपने आप को समझते हैं शायद ये पाकिस्तान आर्मी के जवान बन चुके हैं। तो अभी आपने इसकी एक यूनिफॉर्म में वीडियो देखी, तो आपको एक इसकी और वीडियो दिखाते हैं लड़की वाली, और फिर आपने ही बताना है क्या ये पाकिस्तान आर्मी का जवान है या हमारे मोहल्ले का कंजर इंसान है। शक्ल देख के मुझे डेली अपना कूड़ा उठाने वाला याद आ जाता है। इन्हें तो पैर कुत्ते का पुता नहीं कहते, जिकन तू करना डब के मार जा भाग जा पुत्रा। इसमें सब कुछ मारेंगे, इसकी बातें दर्द में सहना, इसके दुश्मन को मैं कहना, जो भी मैंने आज देखे उसको जिंदा कर। तो यार मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो जो इन्होंने बात कही थी वो बात को अभी 8 महीने गुजर चुके हैं और 8 महीनों के बाद अभी 1 साल हो चुका है, और जो कि 1 साल से हम रेगुलर इसके मुजरे ही देख रहे हैं। इसने कुछ देर पहले कराची में भी मुजरा किया और फिर इसको पुलिस ने भी उठा लिया था। हमारे आर्मी के जवान बनने के शौकीन है, जरा आप इनका मुजरा देखें जरा पहले। तो यार आप देख सकते हैं शक्ल तो ऐसे बनाई जा रही है जैसे इस इंसान को कब्ज हो चुकी है। आप छोड़ो कब्ज को भी, ऐसा ऐसी शक्ल ऐसी बना रहे हैं जैसे 1 महीने से इसने पोटी नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसकी टुई में कोई चीज वो फंसी हुई है जो निकलने का नाम नहीं ले रही। अंदर कोई ऐसा कीड़ा जो सिर्फ अंदर जा सकता है, बाहर आने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ओ भाई आप लोगों ने देखा रेगुलर फाटा फाटी चल रही है। अरे 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 शल्टों की भाई साहब, रेगुलर इसकी वीडियोस देखी है, क्या क्या मुजरे कर रहा है आजकल। टाइम था जब ये नया नया आया था तो ये लोगों को बोलता था मिली नगमे पे वीडियो बनाओ, उसको सपोर्ट करो, और जो सॉन्ग्स पे वीडियो बनाए और उसको ना करो। आज मैंने इसकी पूरी प्रोफाइल विजिट की, मुझे तो कोई मिली नगमा नजर नहीं आया। ये ऐसे कुछ पाकिस्तान के चूतिये हैं जो रेगुलर अपनी वीडियोस बना बना के ऊपर आ चुके हैं। अभी आजकल ये चूतियों के मुजरे रेगुलर चालू है टिकटॉक पर। बड़ी बात, टिकटॉक ने भी इनको अप्रूवल दे दिया भाई साहब कि जितना मर्जी हगो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे टिकटॉकर्स हैं, अगर इन्होंने बाहर दुकान से रस लेने भी जाना हो तो घर बता के जाते हैं कि अम्मी हमारे बंदे टिकटॉक पे आके कितना गंदे वाला हग रहे हैं, आप लोगों ने देखा। 1 2 3 श्री को कट लो थोड़े दिन कटा के तुम्हारे जिन बंदा।
तो यार अभी आपने इस इंसान की वीडियोस एंजॉय की हैं, ये वो इंसान है जिसको देखने के बाद रोस्टिंग इंसान ना करे, तो यार ये हो नहीं सकता। इसकी शक्ल ऐसी है, इसकी हरकतें ऐसी हैं, ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, कौन सी दुनिया से आके यहाँ पे रह रही है। तो बाकी आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए नमूने के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाजमी कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।